नमस्कार, चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत वाले चटपटे आलू। आलू बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ जो आपको बेल दिखाई दे रही है उस पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। व्रत के सूखे आलू बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू। हमने 4 आलू लिए हैं, सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, 1 से 2 हरी मिर्च बहुत बारीक कटी हुई, जीरा और धनिया। अगर आप धनिया वगैरह व्रत में नहीं खाते हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो उबले हुए आलू लिए हैं उन्हें इस तरीके से हम काटेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और अब हम पैन में तेल डालेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हम थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे तभी ये आलू हमें अच्छे लगेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू और इन्हें हल्का सा भूनेंगे। तो हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालोगे। हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम हमने इसमें काली मिर्च डाल ली है, गरम मसाला भी बहुत ही थोड़ा। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, धनिया पाउडर अगर आप लोग व्रत में खाते हो तो डाल सकते हो। फिर हम इसे अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसे मसाले को अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि सारा मसाला जो है वो आलू में चला जाए। अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब ये आलू बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए, अभी आलू बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हैं। आप इसे कुट्टू के पराठे, कुट्टू की पूरी या दही के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।